ठेकुआ यूपी और बिहार का प्रसिद्ध छठ महापर्व का प्रसाद होता है, लेकिन आप इसे घर में भी बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। इसे बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई चीनी के साथ बनाता है, कोई गुड़ के साथ बनाता है। तो आज मैं इसे सबसे आसानी से और सबसे टेस्टी बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप गुड़ ली हूँ। गुड़ को इस तरह से छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ। इस तरह का गुड़ था मेरा, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। गुड़ में डाल देंगे आधा कप गर्म पानी, इससे हम लोग का जो गुड़ है जल्दी पिघल जाएगा। गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम लोग इसको कवर करेंगे और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि गुड़ अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। तब तक हम लोग इलायची को क्रश करेंगे। इसके लिए एक मोटर प्रेशर ले लेंगे, इसमें 4 से 5 हरी इलायची डाल के इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। इसका छिलका को हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से और इसको पाउडर बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा सा परात ली हूँ, इसमें डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। ट्रेडिशनली ठेकुआ गेहूं के आटे से बनाई जाती है, तो मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं के आटे के साथ आधा कप मैदा डाल रही हूँ और आधा कप सूजी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे सिर्फ मैदा से या सिर्फ आटा से बना सकते हैं। अगर आप इसे सिर्फ मैदा से बनाएंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ ही डाल देंगे 1 चुटकी नमक, और नमक के साथ इसमें डाल देंगे जो हमने इलायची क्रश करके रखी उसको। फिर हम लोग इसमें डाल देंगे सूखा हुआ नारियल का पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे घी, तो मैं यहाँ पे 1/4 कप घी डाल रही हूँ। आप जितना आटा डाल रहे हैं उसी हिसाब से घी को ऐड करें। घी के जगह आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका जो ठेकुआ है वो अच्छी नहीं बनेगी, टेस्टी नहीं बनेगी और खस्ता भी नहीं होगी। अब हम लोग घी को चारों तरफ से अच्छे से आटा में मिक्स कर लेंगे। ठेकुआ का जो टेस्ट है वो उसके मोइन पे ही डिपेंड करता है। जितना अच्छे से आप मोइन लगाएंगे उतना ही अच्छा और उतना ही खस्ता आपका ठेकुआ बनेगा। तो दोनों हाथों से इस तरह से रब करते हुए हमें आटा में मोइन को लगा लेना है। जैसे ही हम लोग अच्छे से मोइन लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही आटा को थोड़ा सा हाथ में उठाएंगे और इसको बंद करेंगे तो ये बिल्कुल ये लड्डू जैसा बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ये हम लोग का मोइन जो है अच्छे से लग गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। ये नॉर्मल चीनी है जो हम लोग रोज यूज करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से डाल रही हूँ क्योंकि जब भी हम लोग इसको छानेंगे ना तो इसका जो कैरेमल टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है ठेकुआ में। अब हम लोग इसमें डालेंगे गुड़ वाला पानी, जो हमने गुड़ पानी में भिगो के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर एक बार ठेकुआ का जो डो है वो गीला हो गया तो आपका ठेकुआ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हाथ की मदद से इस तरह से होल्ड करते जाएंगे। ठेकुआ का जो डो होता है वो बहुत स्टिफ होता है, हमें इसको नरम बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है ये। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाना है। तो जितना मैंने गुड़ में पानी ऐड किया था 1/2 कप, उतना पानी मुझे इस डो में लग गया। तो गुड़ का पानी ऐड करके हमें दोनों हाथों से इसको बांधते जाना है, जैसे हम लोग डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। बस थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा क्योंकि हम लोग का जो डो है वो थोड़ा हार्ड रहेगा। तो और पानी का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना पानी मैंने ऐड किया है उस हिसाब से मेरा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट में थोड़ा सा इस तरह से हाथ में लेंगे और इसको होल्ड करेंगे, और ये देखिए हम लोग का जो ठेकुआ का शेप है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हमें और नहीं करना है। अब इस डो को कवर करके तकरीबन 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ये रेस्ट हो जाए। 1/2 घंटा बाद इसको ले लेंगे इस तरह से, और हम लोग का जो डो है वो पहले से काफी हार्ड हो गया है। पहले हमने थोड़ा सा इसको नरम रखा था, लेकिन जैसे ही सूजी के पानी को सोक किया तो ये और ज्यादा हार्ड हो गया। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इस तरह से ले रही हूँ और ये होल्ड हो रहा है, बहुत ही परफेक्ट है ये। अब हम लोग ठेकुआ बनाने का जो सांचा है उसको ऑयल से पहले ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसको कोई भी कुकी कटर से इसको कट करके भी बना सकते हैं, और अपने मनपसंद से ऊपर में टूथपिक से इसको शेप दे सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। तो थोड़ा सा डो का हिस्सा लेंगे और इसको स्मूथ करके इस तरह से जो हम लोग का जो ठेकुआ का मोल्ड है उसमें इस तरह से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो, और उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए हम लोग का जो ठेकुआ है बहुत ही परफेक्ट बना है, और ये जो क्रैक्स हैं ये इंडिकेशन है कि आपका जो ठेकुआ है बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसी तरह से बाकी का जो ठेकुआ है इस तरह से हमें बना लेना है। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये इतना मोटा है, तो इस तरह से ही ठेकुआ बनता है, इतना ही मोटा इसका शेप रहता है। इसी तरह से बाकी का जो डो है हमें इसका मोल्ड में डाल के इस तरह से बना लेना है।
और ये देखिए मैं सारा ठेकुआ को इस तरह से मोल्ड में लेके बना ली हूँ। अब हम लोग सारा ठेकुआ को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम करके लो फ्लेम में कर दी थी। हल्का गरम तेल में हमें एक एक करके सारा ठेकुआ को छोड़ना है। तो ध्यान रहे कि आपका जो गैस का फ्लेम है यहाँ पे बिल्कुल भी लो रहना चाहिए, और लो फ्लेम में हमें पलटते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट तक ठेकुआ को पका लेना है। नहीं तो ठेकुआ जो है अंदर से कच्चा रह जाएंगे और ऊपर से इस तरह से लाल हो जाएंगे। तो बीच बीच में हमें इसको पलट देना है। और एक बात, तेल में जाते ही ठेकुआ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो चम्मच की मदद से हल्के हाथों से इसको पलटना है, नहीं तो आपका जो ठेकुआ है वो टूट सकता है। तो ये देखिए मैंने सारा ठेकुआ को पलट पलट करके इस तरह से गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक 7 से 8 मिनट पका लिया है। अब हम लोग इस तरह से इसको निकाल के एक स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से बाकी का जो ठेकुआ है हमें बना लेना है। तो देखिए कितना आसानी से और कितना झटपट तरीके से हम लोग का जो सारा ठेकुआ है वो बन गया। तो मैंने तो बना लिया अपना ठेकुआ। आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।